हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, हॉस्टल वार्डन का पूरा पेपर छप गया है, कंप्यूटर का पूरा पेपर छप गया है अपने वीडियो से। जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखिए ये हैं अनुराग मिश्रा जी, ये हैं ZBNB के गुरु जी, बेस्ट एग्जाम हुआ। प्रणाम सर, आपके द्वारा पढ़ाए गए कंप्यूटर के सारे प्रश्न आ गए, 20 में से 20 किया हूँ, मेरा 20 में से 20 सही है, ठीक है। और ये हैं अनुराग मिश्रा जी, इन्होंने हमें पेपर दिया पूरा, और पूरे क्वेश्चंस ये बोले हैं डिट्टो जो हम मैंने वीडियो कराए थे आपको, 8 वीडियो में से ही पूरा पेपर आ गया। बाद में तो बात अलग ही है, ठीक है ना, जो मैंने बाद में कराए थे उसका तो ऐड ही नहीं किया, जो 8 वीडियो कराए थे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, वहीं से आपका जो पूरा है वो छप गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें एनालिसिस देख लेते हैं किस तरीके का आपका एग्जाम आया हुआ है, और यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको अपन इस तरीके से कर देते हैं और चलिए इधर चलते हैं, ठीक है। चलिए ये है दोस्तों पूरा पेपर, और देखिए टेलीग्राम पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये द एग्जाम हेल्पर है, मैंने यहाँ पर देखिए ये PDF डाल रखी है, ये हमारा सोशल वर्जन 17 दिसंबर फुल पेपर, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए कमेंट में क्या आ रहा है, देखिए देखिए ये लिख रहे हैं अविनाश मिश्रा भी, सर कंप्यूटर में 20 में से 20 सही है, देखिए इस तरीके से है ना। तो यहाँ से आप PDF इसकी ले लेना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पेपर आपका आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। चलिए तो पेन ले लेते हैं इससे। तो देखिए सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, और इसमें देखिए भारत में न्यायपालिका को संसद के द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है, ठीक है। तो ये होगा आपका, अब इसका तो मुझे पता नहीं है ना, अब ये चलिए इसको छोड़ते हैं अपन, है ना। ये मतलब आप देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन है, पॉलिटी से आया आपका क्वेश्चन, ठीक है, मैं करंट अफेयर भी बता दूंगा इसमें। और ये देखिए पद्म विभूषण मैंने बोला था कि नहीं बोला था, मेरा भाई जीके का वीडियो बना रखा है, मैंने बोला था कि पद्म विभूषण जितने भी पुरस्कार हैं बढ़ के जाना है भाई, देखो 2023 का लेटेस्ट पूछा है, बोला था कि नहीं बोला था, टॉपिक आपको पॉलिटी से बोला था, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, देखो आ गए, है ना। अनुसूची से आ गया, देखो अनुसूची में क्वेश्चन बोला था, अनुसूची से क्वेश्चन आते हैं, आ गया देखो, ठीक है। परियोजना प्रोजेक्ट अपल बजट अचीवमेंट हैंडलिंग सिस्टम प्रबंध किसके अंतर्गत आता है, मैंने ये भी बोला था कि कोई स्कीम लॉन्च की गई है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च की गई है, देखो यहाँ से क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदातु है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, मैंने बोला था इसको छोड़ देना, है ना। तो एक क्वेश्चन साइंस से मिला हमें, ये देखिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, देखिए UDISE, मैंने आपसे बोला था कि कोई भी ऐसी स्कीम जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसको आपको पढ़ के जाना, तो देखिए UDISE करके वो थी, तो ये इसका कथन कौन सा सही होगा ये पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण के परिणाम वृद्धि, मैंने बोला था इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए और दिखा रहा हूँ मैं आपको, अब इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आ गई, इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन मिले, और भी होंगे अभी देखते हैं ना। चलिए पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी था आपका, इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया, देखिए अभिकथन वो जो कथन और निष्कर्ष वाला था उससे 1 क्वेश्चन देखने को मिला है हमें। इसके बाद देखिए ये आपका कौन सा है, बी की आयु ए की आयु, ये आपका इसको बोलते हैं पजल में ये जाना है ना, या इसको आप इसको बोलते डाटा सफिशियंसी, सॉरी डाटा सफिशियंसी से आपको क्वेश्चन आया कि कौन सा पर्याप्त उत्तर देने हेतु, ए और बी दो आपको दिए गए थे ना, कथन ये दिए थे, इनके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसको डाटा सफिशियंसी बोलते हैं, है ना। डाटा सफिशियंसी, ये देखिए पजल से क्वेश्चन आ गया, ये पजल आ गया, ये ब्लड रिलेशन मैंने बोला था, कोडेड ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, तो देखिए ये आ गया कोडेड ब्लड रिलेशन। इसके बाद देखिए फिर से पजल आ गई यहाँ पर, है ना, और यहाँ से ये कथन और निष्कर्ष फिर से आ गया, है ना। इसके बाद देखेंगे अपन ये देखिए फिर से कथन निष्कर्ष, तो कथन निष्कर्ष ही पूरे भाई, अगर आपका JSE का एग्जाम हो रहा है दिन में तो एक बार कथन निष्कर्ष का यूट्यूब पर सर्च मार के ये वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिल ही रहा है, देखिए 2 से 3 4 क्वेश्चन हुए। अब ये आ गया आपके कौन से, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है, ठीक है, ये भी कथन निष्कर्ष है भाई, पूरा भर दिया पेपर। देखिए ये आ गया आपका डिस्टेंस से मैंने बोला था, ठीक है, ये आपका कौन सा आ गया, ये आ गया आपका, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये उसको आता है कि क्या बोलते हैं उसको, आकृति मतलब वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, वेन डायग्राम से है ना, ऐसे को बताना है कि कितने प्रतिशत केवल लड़के केवल विद्यार्थी मिल सके, तो इसमें परसेंट पूछना होता है, ठीक है। ये आ गया देखिए फिर से आपका किससे आया, ये आ गया पजल से, ये इनक्वालिटी आ गई, मैंने बोला था ना इनक्वालिटी बैंक वाली पैटर्न आएगी, तो बैंक वाला पैटर्न पूरा आ गया इनक्वालिटी का, ठीक है, ये देख लो इनक्वालिटी आ गई बैंक वाली। इसके बाद देखिए फिर से इनक्वालिटी, तो इनक्वालिटी हो गया कथन निष्कर्ष जैसे ज्यादा पूछ रहा है, डायरेक्शन फिर से आ गया, लंबे लंबे क्वेश्चन है, ये फिर से वो वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। ये देखिए ये सीरीज मैंने बोली थी कि उस सीरीज चली आएंगी, तो 1 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मिसिंग सीरीज से, ये भी मैंने बोला था आपको, है ना, ये ब्लड रिलेशन फिर से आ गया। और इसके बाद देखिए ये कौन सा है, हाँ ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है, ये डाटा सफिशिएंसी है, उसमें आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछ लिए इसने, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, यदि सेब या आम का चयन किया जाए, ये तो पता नहीं है क्या ही क्वेश्चन है, ये सही नहीं दिख रहा। अब देखिए नॉलेज ऑफ ICT,
तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वही से आया। अब देखिए, नॉलेज ऑफ आईसीटी बोला कि कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि ईमेल आईडी में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कौन सी वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। अनेक अंकों या डिजिट वाली ईमेल आईडी, एट द रेट साइन वाली ईमेल आईडी, ये तो होती है, डॉट्स वाली भी होती है ना, और अंडरस्कोर भी आप लगा सकते हैं। शायद अनेक अंकों एवं डिजिट्स वाली ईमेल आईडी नहीं हो सकती, उसमें सब कुछ मिक्स होता है ना। तो ये आपका आंसर होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। दूसरा है देखिए, कुछ प्रिंटर जैसे हार्डवेयर संसाधनों का साझा शेयर करने के लिए एक स्विच और एक वायर केबल के माध्यम से कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का है ना। तो मैंने बताया था लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही ऑफिस के, ये कराया था कि नहीं कराया था, बोलो बोलो, हाँ बोलो। मैंने बताया था डायग्राम के, एक ही आपका ऑफिस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना है, तो लैन, लैन का माता, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक करता है, ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विविध है। तो ये बताया था मैंने, आईटी एक्ट 2000 है ना, सबसे पहले ये आया था आईटी 2000 में, और 2008 में इसमें संशोधन किया गया था, ये भी मैंने आपको करा रखा था आईटी एक्ट कौन सा था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में एंटीवायरस लोकप्रिय ब्रांड उदाहरण नहीं है। मैंने बोला था भाई कैसा क्वेश्चन बनेगा, बोला था कि नहीं, बोला था कि क्वेश्चन आएगा निम्न में से चार हैं, उसमें से कौन सा एंटीवायरस है कौन सा नहीं है। तो ये बोला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ब्रांड लोकप्रिय नहीं है, नॉर्टन है, कास्परस्की है और मैकअपी। ये तीनों ऑप्शन बोलो, तीनों ऑप्शन कराए कि नहीं कराए बोलो। चलो अभी दिखाया था हम लोग, आ जाओ अभी दिखाया था हम लोग, ठीक है। ये लीजिए, आइए अभी दिखा देता हूँ आपको, ये लो भाई, ठीक है। क्या हो रहा है, इसको हैंग क्यों हो रहा है, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, लीजिए आपको दिखाई देते हैं। चलिए, मैंने आपको कराया कि नहीं कराया, ठीक है। ये हमारे इस कंप्यूटर खोलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन था अपना, हाँ एंटीवायरस वाला, लो आ जाओ, कहाँ गया। ये हमारे इस वाला पीडीएफ खोलते हैं, इसमें अपन पीडीएफ ले लेते हैं, कौन से नंबर की, चलिए 5वें नंबर की उठा लेते हैं। ओके चलिए, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए एंटीवायरस दिखाता हूँ आपको, यहाँ से इसको थोड़ा छोटा सा करते हैं, ये लीजिए, ये रहे आपके एंटीवायरस, लो आओ दिखाऊँ, देखो है ना, मैकाफी, कास्परस्की और एक और कौन सा था, नॉर्टन, ये लो तीनों हैं कि नहीं बोलो, आया ऑप्शन, ठीक है, आ गया पेपर पूरा, आ गया कि नहीं आगे बताओ। आईटी एक्ट वाला भी मैंने करा रखा था, ठीक है, लैन वैन मैन तो करा ही रखा है मैंने। ओके चलिए, तो कंप्यूटर की भाई वीडियो बहुत शानदार थी अपनी जो भी थी। एआई का पूरा नाम बताया कि नहीं बताया बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खत्म कहानी, आ जाओ और आओ, है ना। ये भाई कितनी बार बताया आपको, कितनी बार बताया, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। देखो क्या बोला है, सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए, सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए अनुसार में इकाई का सही आरोही क्रम कौन सा हुआ, है ना, आरोही बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना है ना। तो ये साइन जिधर को लगा होता वो होता बढ़ते हुए क्रम। तो देखिए, के बी एम बी के बाद के बी नहीं आता, जी बी एम बी के बी, ये गलत हो गया है ना, के बी सही है, एम बी सही है, जी बी सही है, जी बी के बी ये गलत हो गया। तो इधर बढ़ रहा है ना, के बी है ना, के बी से बड़ा, सॉरी एक सेकेंड, इसमें साइन इधर को लगा है, के बी ये किधर को है भाई, के बी से बड़ा, एम बी, एम बी जी बी है ना, इस तरीके से, नहीं ये तो छोटा हो जाएगा फिर, तो इस तरीके से होगा, के बी एम बी जी बी। अरे यार ये बड़े छोटे का तो मैं कन्फ्यूजन हो गया खुद, है ना, ए ग्रेटर देन बी, इस तरीके से होता है, यानी कि ये होगा है ना, ए ग्रेटर देन बी, इसी को तो बोलते हैं ए ग्रेटर देन बी से, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा फिर, तो ये आपका नहीं होगा, के बी एम बी जी बी ये वाला होगा, चौथे नंबर का होगा, ठीक है, कि जी बी सबसे बड़ा, उससे छोटा एम बी, ये चौथे नंबर का होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, पर ये मैंने कराया था नहीं कराया था बोला आपको, कराया था कि नहीं कराया था, पहले या दूसरे में नहीं, मैंने सब कुछ आपको ये करा रखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कितनी बार कराया, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है एमएस विंडोज, ये तो मैंने आपको बताया था, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कराया था कि नहीं कराया था बोलो। रोम का पूरा नाम कराया कि नहीं कराया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है, प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस, कितनी बार बोला, सारे आपको दिखाए थे, बोलो बोलो, हाँ बोलो, है ना। इसमें कुछ पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर पॉपुलर वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कराया कि नहीं कराया ये बता दो बस आपको, है ना। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर था, गूगल क्रोम था, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सेस नहीं था। वेब ब्राउजर कहाँ कराया मैंने आपको, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर मैंने इसके बाद वाले में कराए थे, आई थिंक ना 6वें या 7वें में कराए थे, तो अपन 6वें में देखते हैं शायद वेब ब्राउजर हो इसमें। मैं आपको क्लियर ही करा देता हूँ ना, कराए थे कि नहीं कराए थे मैंने, ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, इसके बाद वाले में होंगे फिर, ठीक है, तो इसके बाद वाले में देखते हैं 7 नंबर में। ओके चलिए, 7 नंबर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वेब ब्राउजर ना, ये था आपका, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, वेब ब्राउजर मैंने आपको कराए हैं, शायद मैंने ऑप्शन में करा दी हूँ आपको, पर
वेब ब्राउजर सर्च इंजन मैंने आपको करा दिया, आठवें नंबर में दिखता हूँ मैं। आठवें नंबर की पीडीएफ कहाँ है अपनी? आठवें नंबर की पीडीएफ, आठवें नंबर की पीडीएफ, हाँ हाँ आठवें नंबर की पीडीएफ कहाँ गई? आठवें नंबर की पीडीएफ अपनी कहाँ है? चलिए टेलीग्राम से आपको उठा के दिखाता हूँ आठवें नंबर की पीडीएफ। ओके, यहाँ जाएंगे हमारे द एग्जाम हेल्पर जी के चैनल पर, है ना, और यहाँ से हम पीडीएफ देख लेते हैं। यहाँ से फाइल में जाके यहाँ आपको आठवें नंबर की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से जाएंगे, एक बार ये पीडीएफ जरूर पढ़ लेगा दोस्तों। ये हमारे सेवन आठवीं क्लास की पीडीएफ का है भाई, एट्थ क्लास की पीडीएफ नहीं दिख रही है, मैंने डाली नहीं क्या? हाँ ये रही, देखो ये है, डाला हुआ है, मैंने सब कुछ डाला हुआ है दोस्तों, सब कुछ, है ना, सब कुछ यहाँ पर आपके लिए डाला हुआ है मैंने। देखिए अभी खुलेगी, अभी खोल के दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। देखिए वेब ब्राउज़र मैंने कराया कि नहीं कराया, आपको क्लियर होना चाहिए पूरी चीज़ें जो मैंने कराया कि नहीं कराया। ओके, ये क्या खुल गया भाई, यहाँ से इसको खोलते हैं, इस तरीके से खुल गया, और यहाँ देखेंगे अपन, नीचे जाएंगे, ये देख लिए, आ जाओ देखो, ये है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्या है भाई, कराया कि नहीं कराया ये बताओ। ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कराया कि नहीं कराया बोलो, सीधे उठ के आ रहा है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्या है, अगले पूछ रहा है आपसे कि अधिकांश एमएस विंडो एप्लीकेशन में कुछ टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए कौन सी भाई, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी खत्म लो, कराया कि नहीं कराया बोलो, है ना। किसी इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन लेवल कौन सा है, इमेज का डॉट जेपीजी, बताया कि नहीं बताया बोलो, हाँ बोलो ना बोलो, सीधे ठीक है। और क्या बोल रहा है, बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों के द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी ग्राफिक विश्लेषण, एमएस एक्सेल मैंने बताया था, डाटा वगैरह तैयार करना है तो एमएस एक्सेल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लोकप्रिय सर्च इंजन, हाँ वो भाई सर्च इंजन नहीं है तो एक्सेस नहीं है, गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है, कहाँ है भैया, आ जाओ दिखाते हैं, चलो आपको ये भी दिखाते हैं, ये रहा लो सर्च इंजन देख लो, आ जाओ ये लो, ये रहे सारे सर्च इंजन, ठीक है, ये लो ये आ गए देखो, है ना, कहाँ है, बिंग, याहू, है ना, बिंग, याहू, गूगल क्रोम तो होगा ही होगा इसमें, ना कहाँ है, गूगल ऊपर ही, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया बोलो, बोलो भाई आया कि नहीं आया, पूरा क्वेश्चन था भाई। डीवीडी का पूरा नाम कितनी बार, कल भी बता दिया था मैंने भाई, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, मैंने दो बताए थे, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके चलिए, कुछ बेसिक और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित कौन सा, कहाँ एम एस वर्ड का, एम एस वर्ड कहाँ, ये रहा एम एस वर्ड, लो आ गया आंसर, अब बोलो और बोलो भाई, लो कितने क्वेश्चन हो गए, 49 हो गए, है ना। अब ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार ये सर पॉक्सो एक्ट वगैरह से, है ना, ये पॉक्सो एक्ट के आपके, तो इस तरीके क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया, मैं केवल वही बता रहा हूँ आपको, है ना, बाकी पेपर मैंने पूरे डाल दिए, वहाँ से आप इसको देख लेने जाके, है ना। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव से आए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, अभी अपन इसको कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ का देख लेंगे कितना किया जा सकता है ना, थोड़ा सा एनालिसिस देंगे बच्चों का और वहाँ से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ये छात्रावास के ऊपर पूरा चल रहा है अपना, और एक एक टॉपिक वाइज पूरा आ रहा है, मतलब एक टॉपिक से पहले पूरे का चैप्टर है और फिर दूसरे चैप्टर से पूरे क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका पेपर आ रहा है, ठीक है। जनरल इंग्लिश आ गई है ना, जनरल इंग्लिश में क्या है, वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब गो विद द सब्जेक्ट, है ना, तो वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब से क्वेश्चन आएगा, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, ये तो इन्होंने नहीं बोला था, बट मैंने शायद उसमें आपको बोला था कि बोला था शायद सिलेबस में, ना देख लेना, ये फ्रेज आ गई, अंडरलाइन इडियम का ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मतलब होता है लुक्ड स्टॉप्ड, मेड अभी ब्रोक द माइक नहीं, फेल्ड टू स्पीक, है ना, फेल्ड टू स्पीक मतलब स्टॉप्ड मिड वे, लुक एट द ऑडियंस, ब्रोक द माइक नहीं, फेल्ड टू स्पीक होता है मतलब क्राई करना, रो पड़ना, है ना, एक तरीके से, इस तरीके से बोलते हैं इसको, है ना। ये आर्टिकल से क्वेश्चन आके मैंने बताया था आपको, है ना, इसका मीनिंग क्या है, क्या है ये, अब इसका मीनिंग तो दिख ही नहीं रहा, इंटरसीड है, क्या है ये, प्रेसीड नहीं, इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखिए हिंदी में आ जाओ, तत्सम तद्वो क्या, नहीं, कौन सा युग्म असंगत है, समास, समास आ गया, लुक तत्पुरुष स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कराया था कि नहीं कराया था, वीडियो देख लेना भाई, डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। आमरण कराया था, अव्ययीय पर्यायवाची है, काला पानी, कर्मधारय और मझधार में द्वंद्व समास, मझ और धार, काला और पानी, मझधार में द्वंद्व समास है, काला पानी, काला पानी कर्मधारय, पानी काला, काला पानी, हाँ बिल्कुल ये कर्मधारय है, पर मझधार द्वंद्व समास नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये लो व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, व्यंजन संधि बागीश बिल्कुल है ना, दिग्गज, ये भी आपका दिग प्लस गज, है ना, तो ये भी व्यंजन संधि है, अजंत, अज प्लस अंत, अज प्लस अंत, अज, है ना, ये हो सकता है आपका कि ये ना हो, मनस्ताप,
मन स्ताप, और ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। ये तो क्वेश्चन मेरे मेरी मेरी एग्जांपल से उठा के देख लेना, संधि की पीडीएफ उठा के देख लेना, वहीं से क्वेश्चन मिला है पूरा, है ना। तो इसमें अजंत होना चाहिए आंसर, है ना। चलिए, उंगली पर नचना मुहावरे का अर्थ, मतलब सबकी बात मानना, किसी के संकेत पर नाचना, अपने इशारे पर चलाना, किसी के इशारे पर चलना। उंगली पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित विभ्रमार्थी शब्दों में असंगत है, असंगत आयात आगत निर्गत क्या होता है ना, अल्पायु दीर्घायु अस्त उदय अमृत विष, यही होना चाहिए। आयात निर्यात होता है, ठीक है। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, स्त्री का भार्या तो नहीं, कांता होता है, बनीता होता है, कामिनी होता है, भार्या नहीं होता, भार्या शायद बहन को बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, देख लेना ना, मेरे को आइडिया नहीं इसका। ये देखो, ये पैसेज आया, पैसेज भी मैंने करा रखा था आपको, है ना। पैसेज का बोला था, निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, शुधाकर होता है, सोम पीयूष, इसमें यार आया मेरे को सोम पीयूष, ये अमृत का होता है शायद, पीयूष वगैरह, एक बार देख लेना ना, सुधाकर तो होता है। अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी क्या हुआ, अमर का मृत, मृत्य और मृत्य, तो पहला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। चलिए, ये शुद्ध वाक्य आ गया, ठीक है। शब्द युग्म असंगत वाला, जेठ जेठानी, भतीजा भतीजी, घोड़ा घोड़ी, है ना, ये पता नहीं क्या है, ये क्या आ गया, बहुत क्या होता है, बहुत अधिक दया, बहुत को हम बोलते हैं शायद, प्रविशेषण भी दे दिया इसने, विशेषण भी दे दिया, तो बहुत अधिक दया, तो कितनी दया थी, अधिक अधिक तो आई, पर उसमें कितनी, बहुत, तो ये होना चाहिए प्रविशेषण जहाँ तक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या आया, ये एक शब्द में उत्तर, और फिर से ये आपका क्या आ गया, एक पैसेज आ गया। तो दोस्तों भाई, कंप्यूटर का पूरा छाप चुके अपन, समझ रहे हो, कंप्यूटर में गर्दे उड़ा दिए भाई, 20 के 20 क्वेश्चन छाप दिए, 20 के 20 क्वेश्चन, है ना, 20 के 20 क्वेश्चन पूरे छाप दिए भाई। पीडीएफ ले लो यहाँ से, देखो दिखा देता हूँ आपको, है ना, पीडीएफ कहाँ मिल जाएंगी आपको, ये सारी पीडीएफ डली हुई है। टेलीग्राम पे चलते हैं, टेलीग्राम पे यहाँ चले जाना, द एग्जाम्पल एलबर जीके में, या फाइल में चले जाना, है ना, अंदर क्लिक करके सारी पीडीएफ डली हुई है, ठीक है। कहाँ गया भाई, इधर आना, इधर आ, है ना, ये देखो सारी पीडीएफ वगैरह, ये इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ डाल दिया, ठीक है। तो ये पूरा पेपर छाप दिया, और इसको ज्वाइन कर लेना, जैसे पेपर वगैरह आता मैं सबसे पहले यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। और भी हम मैसेज पढ़ लेते हैं कुछ बच्चों के, आओ तो भाई के पास पहले से ही शायद ये पेपर था, 12 बजे तो छूटा ही है ना, हैप्पी बर्थडे सर, ओके, जैसे तो सेंड कर दो भाई, हम भाई कर दो जैसे का भी, कर दो सेंड, कर दो भाई, अपने सॉल्व कर लेगा गूगल बाबा से, क्योंकि क्या कर रहा है भाई, सेंड करो, जनरल का कट ऑफ 100+, है ना, जैसे का कट ऑफ अभी देखेंगे, है ना, ठीक है। किसी का पहले जैसे का, किसी का नहीं भाई, एक ही शिफ्ट में जैसे का, ठीक है ना, ओके। मैथ्स तो इसमें आया ही नहीं था, ये है हमारे अनुराग सर, इन्होंने भी देखी, वही पेपर सेम भेज दिया हमको, तो इसको जूम करके देख लेते हैं, देखिए ये भी पूरा पेपर वही, देखिए कंप्यूटर का पूरे क्वेश्चन की वही है ना, ये भी लगा के आए अपने, ओके। हाँ, ये देखिए कुछ क्वेश्चन जो अपने रह गए थे वो यहाँ पर ले जाएंगे आपको, ठीक है, जो उसमें नहीं दिख रहे थे अपन को, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर प्रणाली, राउटर क्या है, तो राउटर क्या है, एक नेटवर्क के उपकरण, ये मैंने बताया था, ठीक है। और इनमें कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है, वह कहीं से हर जगह रियल टाइम अभिज्ञता, ठीक है, बैकअप और डाटा का पुनः स्थापित करना, ठीक है, विभिन्न सहयोगी उदाहरण, उन्नत तो सहयोग, इंटरनेट या नेटवर्क क्वालिटी पर आश्रित नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इंटरनेट की क्वालिटी पर तो आश्रित है भाई पूरा, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट का देख लेते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया इन्होंने, देखिए इसको जूम करते हैं थोड़ा, नेक्स्ट में ये भारतीय दंड संहिता, ये तो करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया आपको, ठीक है, चौथे नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगले में क्या आया, अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, रोम की भाषा, एमएस विंडो, ये करा चुका हूँ, ये करा चुका हूँ, करण नहीं है। और हाँ, ये देखिए, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, आप आमतौर पर स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उनकी चोरी करता है, वह खुद हानिकारक, तो ये होता है आपका क्या, ट्रोजन, है ना, ट्रोजन इन्होंने लगाया, ट्रोजन ही होगा यहाँ तक, एडावियर तो ये वो है एंटीवायरस, स्पाईवेयर तो जासूसी करता है, पर ये क्या, एक वैध उपयोगी, इसमें भी नहीं होगा तो ट्रोजन वायरस हो जाएगा, ट्रोजन क्या है, अपनी कॉपी बना लेते हैं, और तो मैंने बोला था वायरस से एक मिलता ही मिलता है भाई, मिलता ही मिलता है, तो वायरस पढ़ के जाइएगा भाई, जितने टॉपिक बताए उतने, और जितने क्वेश्चन था पूरे पेपर से छाप दिए, और बोलो भाई क्या बताऊँ, है ना, ये ब्राउजर तो मैंने करा दिया, हाँ, कट कॉपी पेस्ट करा दिया, इमेज फाइल वाला करा दिया, है ना, ये एमएस एक्सेल करा दिए तुमको, ठीक है। चलिए, आ जाओ और देखो, आ जाओ देखिए, ये याहू वगैरह करा दिया, डीवीडी करा दिया, फॉर्मेटिंग करा दिया, और यहाँ ये देखिए, ये एक क्वेश्चन और बच गया, हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक मल्टी एनिमेटेड मल्टीमीडिया, एनिमेशन आ गया, एनिमेशन आ गया, पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट लो भैया आ गया, और बोलो पूरा पेपर छाप दिया भाई, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए आप,
है ना, इसको ना जो है कर लो फटाक से, पूरा पेपर वगैरह डाल दिया, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और वो देख लेना पीडीएफ्स वगैरह, ठीक है। चैनल है ना, ये हमारे अनुराग मिश्रा जी पूरे ठोक के हैं 20 में से 20, ठीक है। चलिए, तो ये था एनालिसिस, और जेएसए वालों के लिए भी है ना, आप बोलेंगे तो वो जो अभी टाइम है 12:30 आपकी, देखिए 12:30 हो रहा है, मैं 1 सेकंड आपको बता देता हूँ थोड़ा, है ना, अभी हो रहा है 12:30, ठीक है। इधर आते हैं अपन, ठीक है, अभी देखिए इधर आना भाई, है ना, 12:30 हो रहा है अभी, 12:30 आपकी एंट्री होगी, 2:30 तक। कब तक होगी? 2:30 तक होगी आपकी एंट्री। तो आप जो है 2 के बाद ही एंट्री लेना, तब तक आप ये देख लो मेरे पीडीएफ्स वगैरह डले हैं वो पढ़ लो, है ना। अगर हो सकेगा तो मैं अभी आपको एक लाइव करा देता हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसका तो आपको पूरा मिल जाएगा ना, थ्योरी वाला, और वो एक लाइव कराने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको वहाँ पर पूरे पेपर मिल जाए। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।